ट्रैवल रोज। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा इंडियन रेलवे म्यूजियम के बारे में कुछ डिटेल्स। ये पड़ता है चाणक्य पैलेस के पास, और अगर मैं इसकी मेट्रो से दूरी बताऊं तो अराउंड 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगी। लोकल ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर, वहाँ से आपको अपनी या तो पर्सनल गाड़ी से आना पड़ेगा या अदरवाइज ओला कैब वगैरह करके आनी पड़ेगी। तो इसकी अगर मैं सुबह मॉर्निंग ओपनिंग की बात करूँ तो सुबह 10 बजे खुल जाता है और 5:30 बजे तक रहता है। तो मेरे स्क्रीन पर टाइमिंग आ रही होगी, इसके अंदर एक मतलब 100 से ज़्यादा ट्रेन्स हैं जिसमें से 1-2 वर्किंग कंडीशन में, तो जॉय ट्रेन बोलते हैं उसकी, मतलब वो आपको इस पूरे रेल म्यूजियम की साइड बाय साइड पूरी सैर करवाता है। तो ये टाइमिंग्स है, साइड में फ़ोटो आ रही होगी, आप इसमें देख सकते हैं। तो अगर मैं इसके निर्माण की बात करूँ तो फर्स्ट फैब 1970 में इसका निर्माण था। तो अगर हम देखें तो अगर किसी को यू नो रेल हिस्ट्री के बारे में जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड है तो अराउंड 140 ईयर्स से मतलब इसके बारे में सारी चीज़ें, और बहुत मतलब 100 से भी ज़्यादा के कहते रेल्स के इंजन यहाँ पर मिलेंगे। इसके अंदर रेल म्यूजियम भी है जहाँ पर रेल के बारे में पूरी हिस्ट्री है कि रेल हमारे इंडियन रेल ने कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट करी और क्या कहते हैं आज वो किस जगह पर है। तो चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़। तो ये है मेन एंट्री गेट नेशनल रेल म्यूजियम का। अगर मैं टिकट वगैरह की बात करूँ तो वीकडेज में क्या कहते हैं इसकी एंट्री है 50 रुपये। तो एंट्री करते ही सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है नेशनल रेल म्यूजियम। तो इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको एंट्री गेट पर बताया था कि हमारी ट्रेन की हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें अंदर अपडेट है। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो म्यूजियम के अंदर ये बहुत सी रेल्स वगैरह और इसके नक्शे रखे हुए हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाऊँ, जैसे 146 इस टाइम लोको GIP टीम लोको, और ये मिराज स्टेशन लंदन की घड़ी भी लगी हुई है यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि हमारे देश में सबसे पहली जो ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, तो उसी की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की यहाँ पर वो लगा रखा है पिक वगैरह कहाँ से कहाँ तक थी। उसने 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। तो 1853 के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें लगी कि कैसे कैसे हमारे इंडियन रेलवे ने इम्प्रूवमेंट करी। 1854 फिर 62 तक ये इतने हज़ार किलोमीटर तक रेलवे ने कवर करा, फिर 1880 95 1903, जो कि 1903 में दिखा रहे कोलकाता शिमला रेलवे लाइन ओपन हुई थी। वैसे तो रेल म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली, बट जो मुझको पसंद आई अभी तक यहाँ पर ये फॉर्मेशन जो धीरे धीरे चेंज हुई है। पहले स्पीड कैसे होती थी, पहले कोयले से चलती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक है ट्रेन। पहले कोचेस ऐसे होते थे, लोग ज़मीन पे बैठ रहते थे, कोई सिस्टमेटिक नहीं थे, और अब कोचेस ऐसे हो गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फूड पहले ऐसे सर्व होता था लोगों को, और अब फूड के लिए अलग से ही ट्रेन के अंदर ही रेस्टोरेंट टाइप बना दिए हैं कुछ। और पहले टिकट की खिड़की ऐसा होया करती थी, और अब टिकट ये है कि ऑनलाइन अवेलेबल है, IRCTC साइट है इंडियन रेलवे की जिसके अंदर से आप टिकट वगैरह ले सकते हो। पहले सेफ्टी की कोई वो नहीं होती थी, कोई इतनी प्रेफर नहीं करता था सेफ्टी, लोग लटक के पहले खिड़कियाँ ही नहीं होती थी, लोग खिड़कियों से ही सीधा अंदर चले जाते थे, कोई जाली वगैरह कुछ नहीं होती थी। अब सेफ्टी, अब प्रॉपर जाली होती है आज के टाइम पर ट्रेनों में। पहले के प्लेटफॉर्म ऐसे होते थे, और अगर मैं अब आज के प्लेटफॉर्म दिखाऊं आपको तो कुछ ऐसे होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पर पिक्चर लगा रखी कि जो ड्राइवर होता है तो वो कैसे मैनेज करता है और कैसे रन करता है ट्रेन को अंदर से। यहाँ पे वीडियो चला रखी है।
सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और एक जो सामने मेरी वीडियो में दिख रही होगी आपको मशीन, जो हमारी दिल्ली में मेट्रो का काम हुआ है जिसमें बेसमेंट के अंदर से मेट्रो निकाली, तो यही मशीन है जो सामने, तो ये ज़मीन के अंदर जाके पूरी सुरंग बनाती है अपने आप। और ऐसे अगर मैं आपको थोड़ा सामने से दिखाऊं तो ये ऐसी सी कुछ दिखती है। इसके बारे में ये रहे सुरंग छेदक मशीन। इस मशीन का प्रयोग सुरंग बनाने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया चट्टानों को टुकड़े वगैरह को हटाया जाता है। तो ये भी यहाँ पर है और ट्रैक कैसे बिछाते हैं, ये मतलब ये जो सामने नज़र आ रहा है ट्रकों में पटरियाँ लेके जाते हैं और फिर ऐसे ट्रैक बिछाते हैं पूरे उस पर। काफ़ी बढ़िया से बता रखा है यहाँ पर। और यहाँ पे क्रॉस सिलेक्शन, अलग अलग मतलब अलग अलग ट्रेन्स की, रेलवेज़ के हमारे अलग अलग साइंस वगैरह होते हैं, तो इसमें सब कुछ लिख ही रखा है कि कौन सा साइन किस उसके लिए है। और एक और चीज़, जैसे बताया जाता है कि ट्रेन की पटरियाँ किसी चेंज होती थी, तो ऐसा लीवर होता है जिसको लेफ्ट एंड राइट करते हैं तो ट्रेन की पटरियाँ ऐसे चेंज हो जाती है। और ये जो हमारी रेल की पटरियाँ होती हैं उसका फास्टिंग सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया गया है यहाँ पर। ये जो हमारी स्क्रीन पर सामने दिख रहा है ये है एयर ब्रेक सिस्टम। तो ब्रेक्स वगैरह कैसे काम करते हैं, ट्रेन की कौन सी ट्रेन कहाँ पर है और उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इसको देखा जाता है। ये हॉर्न वगैरह, और यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक की सबसे अपडेटेड ट्रेन नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ट्रेन ऑपरेशन बोर्ड, जैसा कि हम सबको पता ही है कि ट्रेन भी फॉर एग्जांपल लाइट देखकर ही रन करती हैं, हर लाइट का मतलब होता है। ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर जिसके बारे में सब कुछ बताया गया है। और ये डेमो के लिए यहाँ पे और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये जो मेन हेड मास्टर होता है जो मेन ट्रेन सारी ऑपरेट करता है, तो उसको कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आती है। जहाँ तक मेरे को लगता है जो ट्रेन की पटरियाँ वगैरह चेंज होती है तो यहाँ से होती हैं। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा सा बोर्ड लग रखा है जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है कि रेलवे स्टेशन पर हमें हर चीज़ का क्या साइन का क्या मतलब होता है, होम सिग्नल, ब्लॉक ओवर रैप, लास्ट स्टॉप सिग्नल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर हमारे सारे रेलवे की प्लेट्स वगैरह लगी हैं जितने भी रेलवे हैं।
रॉयल म्यूज़ियम तो मैंने कवर कर लिया है, तो अभी हम इसके अंदर थे, तो यहाँ से हम बाहर निकले, तो मेरे सामने ही जॉय ट्रेन है, तो अभी देखते हैं। अभी तो ये वाली जा चुकी है, तो इसके नेक्स्ट जो आएगी उसमें जाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ पर। तो आपको जो मेरे सामने नज़र आ रही होगी जॉय ट्रेन है, ये पूरे रेल म्यूज़ियम का चक्कर काटती है, तो ऐसी सी पटरी बना रखी है यहाँ पे। अभी इस वाले में तो फुल हो गया, अगले वाले में जाऊँगा मैं और आपको दिखाते हैं फिर। ये रेल के लीवर लगा रखे हैं एग्जांपल के यहाँ पे, जिससे पटरियाँ चेंज होती थी। ये कुछ पुराने डब्बे रेल के इंजन, और ऐसे बहुत सारे डब्बे यहाँ पर खड़े हैं। धीरे धीरे जाते हैं पीछे को और दिखाते हैं आपको। और रेल म्यूज़ियम के अंदर ही एक छोटा सा स्टेशन बना रखा है बीकानेर का, मतलब हल्की सी झलक दिखा रखी है कि स्टेशन वगैरह कैसे होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास से। अरे कुछ, और ये दूसरी तरफ से स्टेशन का व्यू, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, और बहुत सारे ट्रेन के बॉक्सेस रखे हैं, बहुत सारे। तो मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या दिखाऊँ क्या क्या ना दिखाऊँ, तो कुछ कुछ चीज़ें तो मैं दिखा रहा हूँ जो मुझको भी थोड़ी सही लग रही है, क्योंकि वो पीछे उसके पीछे भी खड़े हैं कुछ बॉक्सेस। तो किसी भी रेल के ऊपर नहीं चढ़ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जुर्माना 500 अगर कोई भी रेल के ऊपर चढ़ के पिक्चर वगैरह कुछ क्लिक करवाता है। तो अभी जाएंगे जो ट्रेन में बैठेंगे और उसका भी चक्कर काटेंगे। अच्छा, रेल म्यूज़ियम के अंदर ही ये बड़ी कमाल की चीज़ है। तो आजकल तो ये होता है कि ट्रेन के आगे के इंजन चेंज हो जाते हैं, तो वो घूम के चलाते हैं दूसरी साइड, तो ट्रेन चली जाती है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ही पटरी होती थी, तो होता क्या था, ट्रेन इसके ऊपर आके खड़ी होती थी और फिर ये पूरा ये चक्कर काटता था इसका, फिर ट्रेन का मुझे अपोजिट साइड को हो जाता था, तो वो फिर उस तरफ से चली जाती थी। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है यहाँ पर। पहले क्योंकि मुड़ने का कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो ऐसे ट्रेन इसके ऊपर आके खड़ी हो जाती थी, पर ये जो आपको राउंड दिख रहा है पूरा, इसका चक्कर काटती थी ट्रेन और ट्रेन का मुँह साइड हो जाता और वो चली जाती थी। कुछ और ट्रेन के बॉक्सेस खड़े हैं यहाँ पर। तो जॉय ट्रेन की राइड हो गई अब हमारी पूरी। तो इसी रेल म्यूज़ियम के बीच में, जैसा कि अगर आप लोग थक जाए तो स्नैक्स वगैरह के लिए कैफेटेरिया है, तो ये बिल्कुल बीच में बन रखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे पीछे है ये कैफेटेरिया है, तो किसी को भी रिफ़्रेशमेंट वगैरह अगर कुछ चाहिए हो तो इसके अंदर जा सकता है और खा सकता है। तो मैं भी आता हूँ चाय वगैरह पी के, उसके बाद करते हैं वीडियो कंटिन्यू। ये कैफेटेरिया का मेन एंट्री गेट है, काफ़ी यूनिक सा बना रखा है, और इसके
ऊपर से व्यू ट्रेन के बॉक्सेस वगैरह। ये पता नहीं क्या कुत्ता है क्या, ये कुछ बन रखा है ऊपर ही समझ से। चलिए करते हैं यहाँ से अंदर एंट्री। तो कुछ ऐसा था यहाँ का कैफेटेरिया है, ये ऊपर का व्यू। बीच में से डेमो पटरियाँ लगा रखी हैं और साइड साइड में भी। तो फाइनली पूरा रेल भवन कवर करके आ गए हैं। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो जल्दी मिलेंगे दिल्ली की किसी और हिस्टोरिकल पैलेस में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों को हेल्प मिलेगी अगर आप आते हैं यहाँ पर। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ दिल्ली की किसी और हिस्टोरिकल पैलेस में। तब तक के लिए सी यू देन, बाय बाय।